सब्सक्राइब करें आदित्य मोटोराइड चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे आपको हमारे वीडियोस की न्यू अपडेट मिलती रहे। और मेरे देश के नौजवानों कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे बजाज की पल्सर NS 200 को पल्सर 220F से और इसके बारे में बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं आप लोग के लिए ऐसे ही बाइक से रिलेटेड और स्कूटी से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ, इसलिए आप मैं नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करो, इसमें जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप उससे पहले देख पाए। और हाँ, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर ही फॉलो करें जिससे अगर आप कुछ क्वेश्चन है तो वहाँ आपको उसे जल्दी रिप्लाईमेंट्स मिल जाएंगे। इन दोनों बाइक से कंपैरिजन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों बाइक्स बजाज कंपनी की ही है, बस फर्क इतना है कि इन दोनों बाइक्स के लुक्स में बहुत सारे चेंजेस हैं और इनके इंजन परफॉर्मेंस में भी आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इन दोनों बाइक्स के लुक्स के बारे में बात किया जाए तो जो NS 200 है वो नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, उसका बॉडी डिज़ाइन एरोडायनामिक लुक्स बाइक को बहुत ही स्पोर्टी लुक देता है। लेकिन यही बात करें पल्सर 220F के बारे में तो वो आपको सेमी फेयरिंग में मिलती है जिसके कारण बाइक उतनी स्पोर्टी नहीं लगती है कम्पेयर टू NS 200। लेकिन अगर आपको स्पोर्टी लुक चाहिए, स्टंट्स करना आपको पसंद है, NS 200 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 220F पर आप स्टंट्स नहीं कर सकते, ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते, आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हो 220F पर, लेकिन जो सबसे बेहतरीन लुक्स है वो NS 200 का ही है। इन दोनों बाइक्स के हाइट के बारे में बात किया जाए तो NS 200 में आपको फ्रंट में 17 इंचेस का व्हील्स मिलता है विद ट्यूबलेस टायर और रियर में भी आपको 17 इंचेस का व्हील्स मिलता है विद ट्यूबलेस टायर्स। और यहाँ बात करें पल्सर 220F के हाइट के बारे में तो पल्सर 220 में भी आपको फ्रंट में 17 इंचेस का व्हील्स मिलता है विद ट्यूबलेस टायर और रियर में भी आपको 17 इंचेस का व्हील्स मिलता है विद ट्यूबलेस टायर। तो दोस्तों यहाँ तो हाइट सेम ही है दोनों बाइक्स की, मतलब अप्रॉक्स अगर आपकी हाइट 5 फीट है या 5 फीट से ऊपर है तो आप उसको कम्फर्टेबल राइड कर पाओगे। दोनों बाइक्स के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात किया जाए तो दोनों में ही आपको एनालॉग प्लस डिजिटल का ऑप्शन मिलता है, बस फर्क इतना है कि NS 200 में आपको सर्विस रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है और 220 में आपको सर्विस रिमाइंडर का ऑप्शन नहीं मिलता है, बस इतना ही चेंजेस है, बाकी तो दोनों में ही आपको बेसिक से सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। इंजन के बारे में बात किया जाए तो NS 200 में आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व्स SOHC ट्रिपल स्पार्क DTSI इंजन मिलता है जिसमें आपको 199.5 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट मिलता है और 23.5 PS की पावर और 18.3 न्यूटन मीटर के इसमें आपको टॉर्क मिलता है। और हाँ, इसमें आपको जो कूलिंग सिस्टम मिलता है वो आपको लिक्विड कूल मिलता है। पल्सर 220F के इंजन टाइप के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व्स ट्विन स्पार्क DTSI इंजन मिलता है जिसमें आपको 220 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट मिलता है और 21 PS की पावर और 18 न्यूटन मीटर के इसमें आपको टॉर्क मिलता है। और हाँ, इसमें आपको जो कूलिंग सिस्टम मिलता है वो ऑयल कूल्ड मिलता है। बात करते हैं कि 2019 के क्या अपडेट्स आए हैं दोनों बाइक्स में, तो भाई लोग NS 200 में तो कोई अभी अपडेट का नोटिफिकेशन मेरे को नहीं आया है, लेकिन हाँ पल्सर 220F में आपको एक नया अपडेट मिलता है। इसमें आपको इंजन काउल मिलता है, मतलब आपको इसमें इंजन गार्ड मिलता है जो ओवरऑल बाइक्स का लुक बहुत ही अट्रैक्टिव बना देता है। दोनों बाइक्स के फ्रंट लुक्स के बारे में बात किया जाए तो NS 200 में आपको फ्रंट में हेलोजन बल्ब मिलता है और इसमें आपको जो नीचे में आपको कैप्टन लाइट्स मिलते हैं। यही बात करें पल्सर 220F के फ्रंट लुक्स के बारे में तो इसमें आपको दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं और उसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलते हैं। तो भाई बात करेंगे दोनों बाइक्स के फ्रंट लुक सबसे ज़्यादा स्पोर्टी कौन सी दिखती है, भाई NS 200 सबसे ज़्यादा स्पोर्टी दिखती है, मस्कुलर लुक देती है। तो दोस्तों आज के लिए हमारे वीडियो में इसके लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करो, उसको शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। और हाँ, अगर आप कुछ क्वेश्चंस है, अगर आपको डाउट्स है पल्सर 220F से रिलेटेड या NS 200 से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।